नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर एक तरफ जहां चुनाव आयोग लगातार गहमागहमी की स्थिति में है, तो इधर बिहार सरकार भी लगातार अपनी महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना को लेकर भी लगातार सजग है। ये जानते हैं ऐसे में नल जल योजना को लेकर और पंचायत चुनाव को लेकर कौन सी बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है। ऐसे में बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अहम टिप्पणी की है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा है कि अब निर्वाचन आयोग को तय करना है कि चुनाव कब कराना है। आपको बता दें कि वर्तमान में यह पूरा मामला राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के बीच में फंसा हुआ है। इसके बाद से यह मामला पटना हाईकोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है। सम्राट चौधरी ने बोलते हुए कहा कि मुखिया यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे, उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि नल जल योजना के अंतर्गत जिन पंचायतों में अगर नल से पानी नहीं गिरता है तो उन पर कार्य पूरा नहीं मानेंगे। बिहार में 1475 वार्ड में गड़बड़ी की सूचना मिली है। इन सभी वार्डों के मुखिया और जो लोग गड़बड़ी में शामिल होंगे वैसे मुखिया और अन्य लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को यह निर्देश दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों और ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों के लिए होने वाले निर्वाचन के विभिन्न पदों को डिजिटलाइज कर दिया जाए। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुमोदित आरक्षित पदों की सूची सभी जिला कार्यालयों और आयोग कार्यालयों को संरक्षित रखा गया है। आयोग ने स्पष्ट करते हुए कहा कि पंचायत के पदों के आरक्षण को डिजिटलाइज कराया जाना अनिवार्य है ताकि प्रत्याशियों के नामांकन, उनके नामांकन पत्रों की जांच, मतगणना और निर्वाचन प्रमाण पत्र और प्रपत्र तेज तैयार करने में कोई असुविधा न हो। पंचायत चुनाव की आधिकारिक तैयारी के पारदर्शिता बनाने के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी स्तर के आरक्षित पदों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। बिहार में पंचायत चुनाव कब किस ईवीएम से चुनाव होंगे इसको लेकर भले ही अभी संशय बरकरार है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग पंचायत चुनाव को लेकर आज राज्य स्तर पर एक अहम बैठक करने जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाले इस बैठक में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। कोरोना के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारियों से जुड़ी पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने का फैसला लिया है। आयोग के सचिव योगेंद्र राम की तरफ से सभी जिलों को भेजे गए पत्र में जिलों के जिला पंचायत पदाधिकारी सह जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी, जिला परिषद और प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी को बैठक में शामिल होने की बात कही गई है। आज जिन बिंदुओं पर बात होनी है उनमें है मतदान केंद्र और मतदाता सूची, नवगठित अधिसूचित नगर पालिका के अंतर्गत पंचायतों की स्थिति में हुए परिवर्तन के बाद मतदान से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद पंचायतों के पदों के आरक्षण की स्थिति के संबंध में बात की जाएगी। इसके साथ ही पंचायत आम निर्वाचन 2016 से संबंधित निर्वाचन व्यय विवरणिका अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में भी बात की जाएगी। इसके साथ ही नवगठित नगर पालिका के गठन के बाद पंचायत वार्ड एवं मतदान केंद्र से जुड़ी हुई स्थितियों के बारे में बात की जाएगी। इसके साथ ही नगर पालिका गठन के बाद बचे हुए क्षेत्र और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं नामकरण की स्थितियों की भी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही पंचायत मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों के समाधान की स्थितियों की भी समीक्षा की जाएगी। सुरक्षा बलों के प्रतिनियुक्ति से जुड़ी हुई सूचना को उपलब्ध कराने के संबंध में भी बात की जाएगी। इसके साथ ही ईवीएम मूवमेंट प्लान पर चर्चा एवं माइक्रो लेवल मूवमेंट प्लान की भी समीक्षा की जानी है। सबसे आखिरी जो बिंदु है जिस पे आज बात होनी है उनमें है आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई के संबंध में। तो बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।